एकदम इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक ऐसी खतरनाक लोकेशन में जो कि आप सबको देखने में तो शायद एडवेंचर जैसा लग रहा होगा, लेकिन एडवेंचर नहीं है, ये बहुत ही खौफनाक जगह है जिसे कहते हैं आज से 100 साल पुराना घर, 100 साल पुराना मुर्दा घर। यहाँ पर आप सबको याद होगा कि मैं कुछ साल पहले आया था जिस जगह पर एक साक्षात मुझे मुर्दा लेटा हुआ नजर आया था, और यहाँ पर कहते हैं कि 10 से ज़्यादा मुर्दा यहाँ पर देखे जाने का दावा किया जाता है इस जगह पर, और यह हकीकत है। मैं अभी जस्ट यहाँ से निकल रहा था, मैंने यहाँ पे आने वाला था डे विज़िट के लिए, तो मैंने कहा आपको एक डे विज़िट का यहाँ पर पहले आपको वीडियो दे देता हूँ ताकि आपको पता तो चले आखिर एटलीस्ट मैं किस जगह पर हूँ, कैसी जगह पर हूँ। तो उस दौरान मुझे एक कांटे जैसी दिखने वाली चीज़ नज़र आती है, इस जगह पर आपको नज़र आ रहा होगा, आप देख लेना, है ना, कांटे जैसे दिखने वाली चीज़, जानवर होता ना उसका, मैं पीछा करते करते इस जगह तक आ गया और वो अंदर अचानक घुस गई। तो मैं पहुंचा कहाँ, देखने के बाद मुझे लगा कि यार ये तो मुर्दा घर है जहाँ पर मैं ऑलरेडी विजिट कर चुका हूँ। तो मुझे ये थोड़ा सा अजीब लगा कि एक जानवर जिसका मैं पीछा करते करते एक अंदर तक घुस गया, उसका कोई ना कोई तो मकसद, हर चीज़ की एक वजह होती है पता है, तो इसकी भी शायद कोई वजह रही हो, वो जानवर शायद कुछ कहना चाहता हो या कुछ भी हो सकता है ना, या फिर मुझे कहीं तक ले जाना चाहता हूँ, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये आप सोच रहे होगे कि मैं कौन सी पुराने ज़माने की बातें कर रहा हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये हकीकत है जिसे शायद आप आज रूबरू देखने वाले हो। तो मैं उस जानवर का जब मैं पीछा करते करते यहाँ तक आया तो इस जगह पे एक ख़तरनाक वाइब्स आई मुझे जो हर हॉन्टेड लोकेशन पे रात को जाने पे आती है, और खटपट खटपट की लगातार आवाज़ आ रही है इस जगह से, मैं आपको दिखाता हूँ वो भी, लगातार एक आवाज़ आ रही है खटपट खटपट, जैसे शायद कोई बहुत सारे लोगों का जुट हो और कोई चीज़ को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो मैं इस जगह पर इस वक्त अकेले आया हूँ, आज वीडियो लेट होने का कारण सिर्फ इतना है कि एडिटिंग नहीं कर पाया था, लाइट नहीं थी, प्रॉब्लम थी कुछ, इस वजह से नहीं कर पाया। आज अभी जो वीडियो आ रही है ना इस टाइम पर आ रही है, बाकी कल की वीडियो जो आएगी वो 12 से 1 के बीच जब आती है वो आ जाएगी उसी टाइम पर, ठीक है, 12 से 1 के बीच में दिन में आती है। तो इस जगह की अगर बात करूँ तो मैं नाइट में विज़िट करने वाला था हाल ही में, लेकिन आज मैं फाइनली डे में विज़िट कर लिया, तो मैंने कहा चलो आपको दिखाई जाइए हकीकत क्या है इस जगह की। तो देख रहे हैं कैसी कैसी आवाज़ें हैं, जंगल है, पूरा खंडर है, मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि इस जगह पर कौन ऐसा शख्स है जो इस जगह पर आवाज़ कर रहा है, या फिर उस जानवर का क्या मकसद होगा या क्या वजह होगी जो यहाँ तक मुझे खींच के लेकर चली है अपने आप। तो सीधा चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं इस पहले तो ये लोकेशन, और उसके बाद मैं आपको अंदर किससे रूबरू कराता हूँ कि अंदर का लोकेशन कितना ख़तरनाक है। तो कल की जो वीडियो कल के टाइम पे आएगी, फिलहाल मैं लोकेशन की तरफ चल रहा हूँ, बस ये दिखाता हूँ, ये जगह है गाइस, और ये एक मुर्दा घर है। यहाँ पर पोस्टमार्टम हाउस हुआ करता था बहुत पहले, और एक पोस्टमार्टम हाउस की क्या कहानी होती है, सबकी अलग अलग थ्योरी कहानियाँ होती हैं, इसकी भी एक कहानी है। कहते हैं यहाँ पर कम से कम 10 से 12 लाशें हमेशा दिखाई देती हैं लोगों को जब भी कोई आता है यहाँ पे। तो मैं फिलहाल आपको अंदर लेके चलता हूँ, और अंदर जाके देखता हूँ कि कुछ नज़र आता है क्या। ये देखिए कितनी खतरनाक जगह है, वाकई में यार एकदम, ओह माय गॉड, ये कौन था, कहीं से भी अभी कोई यहां से भागा है, उसके हाथ में कुछ था भी, कौन था भाई, जगहों पर लाशें रखी जाती थी गाइस इन जगहों पर, और यहाँ पर लाइन से गैलरी में भी लाशें होती थी बहुत टाइम पहले। अभी एक शख्स भागा है, पता नहीं कौन था, और ये वाकई में डरा देने वाला था क्योंकि वो हमें छुप के सुन रहा था, हमें ऐसा लग रहा है।
देखो कोई है। ये पूरा का पूरा ढह गया है। जिस टाइम पे मैं आया था उस समय पे ये ढहा नहीं था, और इसी तरफ को ये भी भाग के गया है। पता नहीं कौन भागा है। देखिए वो गया फिर। कोई कौन है भाई? अरे कौन था यहां पे? इसी तरफ कोई भाग के गया। ईंट गिरने की आवाज आई जैसे। ये देखिए कौन है भाई? गाइस पता नहीं कौन है, बहुत स्पीड में भागा है इस गैलरी से। पहले इस तरफ आया है, उसके बाद फिर से इस तरफ गया है। अभी कौन है मुझे नहीं पता। Oh shit! अरे कौन है यहाँ पे? फिर से किसी की आवाज आई है। मैं पूछ रहा कौन है, सामने आओ। इस खिड़की से बाहर जाके देखता हूँ मैं। बोरा कौन है वहां पे? वो देखिए उस जगह पे कोई था। अरे कौन है वहां पे खड़ा हुआ था? कौन था भाई? तो चोर तो नहीं है ये? देखिए लाइन से लोहे को तोड़ा गया है और ये शायद चोर हैं, और ये चोरी करने के हिसाब से ये पूरा तोड़ रहे हैं, और ये चोरी हो सकता है मेरे ख्याल से। मैं बार बार पूछ रहा कौन है सामने आप? ईटा गिरा पीछे से। अरे भाई कौन है? अरे कौन है यहां पे? कौन है? कोई आवाज भी आई है? चीज है, इसके बड़े बड़े बाल हैं, और जिसने शायद मेरे हिसाब से इसके पीछे क्या है, इसके पीछे देखिए ये है। ये देखिए फिर भागा। ये ए, कौन है सामने आ, सामने आ, कौन है तू? कौन है रे? मैं पूछ रहा कौन है रे? मैं पूछ रहा हूं कौन है सामने, आ जाओ। ये
ये किसने छुआ था? किसी ने कुछ फेंका? ओह शिट, अभी यहां से कोई गया है। ओह शिट यार, ये देखिए धूल उड़ रही है। कोई भी आपको नजर आ रहा है? इतनी जल्दी कहां गायब हो गया? साहब यहां कुछ रील लग रही मुझे, कुछ तो है इस जगह पे। डंडा फेंक के मारा, ये देखिए डंडा पड़ा है। और ये वही है जो भाग रहा है, उसके हाथ में ये डंडा था। मतलब वो चाह रहा है कि यहां से मैं जाऊं। अरे कौन है भाई, सामने आओ। मैं पूछ रहा कौन है, सामने आओ। जो भी शख्स है, ये वो नहीं चाहता कि मैं यहाँ पर ज्यादा देर रुकूं, इसलिए या तो मुझे वो डराने की कोशिश कर रहा है, और या फिर जो भी है मुझे नहीं पता है। उसका वो देखिए झांक रहा है वहां से झांक रहा है। ये देखिए है, कौन है भाई, सामने क्यों नहीं आता? अरे सामने आ भाई, अरे कौन हो तुम, सामने आओ। अरे कौन है सामने, तो आओ भाई। मेरे हिसाब से वो पक्का ये चोर है, क्योंकि आप मेरे जो पीछे ये चीज दिख रहे हैं ना, ये लोहे आपको दिख रहे होंगे टूटे फूटे हैं, एक लाइन से यहाँ के लोहे गायब है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा मतलब गैंग चल रहा होगा जो ये सब चोरियाँ कर रहा है, और ये शायद रात के टाइम पे आता है। तो मुझे यहाँ पर शायद डाउट है कि यहाँ पर कोई भी है जो यहाँ से डराने की कोशिश कर रहा है और भगाना चाहता है मुझे। आई थिंक यही बात है, इसी वजह से वो बंदा बार बार भाग रहा है, डराने की कोशिश कर रहा है, ताकि ये समझूं कि यहाँ पर कोई गोस्ट है, भूत है, और मैं डर के भाग जाऊँ। लेकिन मैं भी डी टू, मैं अभी भागूंगा नहीं, मैं इस चीज़ को सामने ले के आऊँगा पहले, उसके बाद ही यहाँ से मैं जाऊँगा। फिलहाल इस जगह पर चोरी वाली मैटर लग रहा, चोरी हो रही है, कहानियाँ चोरी की है, और मैंने सोचा था कि रैंडमली मैं विजिट करूंगा तो कुछ नज़र आएगा। फिलहाल कुछ नज़र तो नहीं आया, लेकिन एक शख्स है जो यहाँ पर बार बार भाग के मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। तो मैं चाह रहा हूँ कि अब यहाँ से फटाफट निकलूं और किसी को ये इन्फॉर्म करता हूँ इस जगह के बारे में, और इस जगह मैं अब नाइट में आके विज़िट करता हूँ, तब आप वीडियो देखना। यहाँ पर कहते हैं सच में कि इस जगह पर लाशें मिलती हैं लोगों को, लाश लेटी हुई 10-12 लाशें दिखाई देती हैं। तो ये दिन में तो ऐसा कुछ नहीं नज़र आया, हल्का सा महसूस एनर्जी ज़रूर हुई है, पर वो एनर्जी का नाम दें या फिर चोर का, ये समझने में अभी मैं असफल हूँ, इसलिए मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ मैं अभी यहाँ से निकलूँ या फिर इसे एक्सपोज करूँ। यहाँ से फिर मैं निकल रहा हूँ भाई, यहाँ से फिलहाल मुझे यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि यार कुछ भी हो सकता है ना। कौन है भाई? कोई आवाज लगातार आ रही है। कहीं से भी यहाँ से निकल रहा हूँ मैं, यहाँ पर नाइट में विजिट करूंगा, तभी यहाँ का पर्दाफाश होगा, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि चोर भी आते हो, चोरों का मूवमेंट भी शायद रहता हो यहाँ पर, है ना। तो मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, अटैक भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। hey, कौन है? अरे भाई साहब ये गया, फिर से गया वही बंदा, और इस बार दो थे।